मैंने हरी नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सदगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत्ति दी। जीवन में रस आया, उस सदगुरु ने स्पर्श कराया उस संजीवनी विद्या का, और जन्मों से सोया मन जगा, उसकी जड़ता दूर हुई। कबीर कहता है मन की दुविधा दूर भगाई। आपको बताऊं, जीवन का सबसे बड़ा कष्ट दुविधा है, जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा दुविधा है, आपके मन की दुर्बलता का कारण दुविधा है कि ये या ये, यहां या यहां, ऐसे या ऐसे, बस जीवन की यही दुविधा। आपकी आपकी जो चेतनाएं बंटी है दो जगह, और जैसे ही वो किसी एक ठौर पर आती है, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, जैसे धूप बिखरी रहती है तो केवल केवल थोड़ा सा तपा देती है, और एक कांच का टुकड़ा जब उस धूप को एकाग्र कर देता है ना, तो उससे अग्नि प्रकट होती है, जला देती है वो। ऐसे ही आपकी बिखरी हुई जो ये चेतना है, वो जब सदगुरु कृपा करता है, दुविधा दूर होती है, एकाग्रता आती है जीवन में, तो ऐसा प्रकाश और अंतर में होता है, मार्ग सीधा स्पष्ट होने लगता है। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सदगुरु कृपा की, मोहे नाम की संपत्ति दी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सदगुरु कृपा की, मोहे नाम की संपत्ति दी। नाम है ऐसा मधुर प्यारा, मन की तप्त बुझावे रे, नाम है ऐसा मधुर प्यारा, मन की तप्त बुझावे रे, अंधकार को दूर भगा कर जीवन ज्योति जगावे रे। मेरे सतगुरु ने दर्शाया, मेरे भीतर नाद बजाया, मेरे सतगुरु कृपा की, मोहे नाम की संपत्ति दी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सदगुरु कृपा की, संपत्ति दी। और जब गुरु की कृपा से आपके भीतर एक उत्सव का सृजन होता है, जब बाहर उत्सव होता है, कोई गाता है, कोई नृत्य करता है, ऐसे जब भीतर उत्सव का सृजन करता है गुरु अपनी कृपा से, कृपा दृष्टि से, अपने संकल्प से, तब आपके प्राण गाते हैं, आपका रोम रोम नृत्य करता है। जैसे कबीर ने कहा, अरे भर भर नाम रसायन पीवे, अब हम ना मरे, मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मीरा जी ने यही कहा, चित्त चले नहीं कब हूं, डारी प्रेम जजी, के जाने मेरो प्रीतम प्यारो, और न जाने पी। ये पीड़ा क्या है, इस पीड़ा का आनंद क्या है, ये तो मैं जानती हूं या मेरा प्रियतम जानता है। और एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मारा थी।
जब गुरु की कृपा से भीतर आपके उत्सव का सृजन होगा, तो जो भगवान ने कहा चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान, भगवान ने गान शब्द कहा, गाता है फिर वो उल्लास में आनंद में भरकर, वाग गदगदा द्रवत यस्य चित्तम असत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मैं बहुत छोटा था तब सुना करता था, ओ मैं ता गोविंद गोपाल गौंदी फिरा। हालांकि मैंने कभी वृंदावन में देखा नहीं ऐसा। मैं ता गोविंद गोपाल गौंदी फिरा अपने मोहन नु मनाउंदी। और फिर प्रेम का तो मार्ग ऐसा है, यहाँ तो पग पग पे उत्सव है। आप में से कितने लोगों ने हमारे श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया है? अब वो बताओ जिन्होंने नहीं किया, हाथ ऊंचा करके बताओ जिन्होंने नहीं किया। चलो आपको आज यही प्रसाद मिले, श्री जी आप पर कृपा करें, आपको शीघ्र दर्शन हो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं हमारे राधा वल्लभ लाल का नाम है उत्सव मूर्ति। वर्ष में 366 उत्सव होते हैं हमारे यहां, उत्सव अधिक है दिन कम है, जब देखो तब उत्सव है। और वर्ष में क्यों, हर नित्य आपको नया उत्सव मिलेगा। कभी मंगला के दर्शन, कभी संध्या के दर्शन, कभी चरणों के दर्शन, कभी हो पिच्छ के दर्शन, कभी दिखते बिहारी, कभी छिपते बिहार। ऐसा जहां पल पल उत्सव है, प्रेम का मार्ग पल पल उत्सव है, नृत्य गीत संगीत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। इसलिए भगवान ने कहा जैसे ही गुरु मिलेगा जीवन में आनंद आएगा, सिर पर बोझ नहीं रखेगा गुरु आपको। मैंने कहां पढ़ा था, शायद शेक्सपियर ने लिखा, यू जस्ट फॉल इन लव एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आप केवल प्रेम करिए बाकी सब व्यवस्थित हो जाएगा। ऐसे कहीं पर मैंने पढ़ा, श्री ठाकुर जी का चित्र बना था और नीचे लिखा था आई एम कृष्णा, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, जस्ट लव मी, इट्स इनफ। बोले मुझे समझने की चेष्टा मत करिए, समझा बुद्धि से जाता है, प्रेम हृदय से किया जाता है, और मैं बुद्धि का विषय नहीं हूं। गुलजार ने कहा ना, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, न ये रुकती है ना थमती है ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो। हमने देखी, मुझे लगता है इस व्यक्ति के हृदय में किस किस कोटि का अध्यात्म होगा इसने ये दो पंक्तियां लिखी होंगी। वो बड़े बड़े भजन लिखने वाले भी नहीं छू पाते इस भावना के स्तर को, कि कभी ये बन के आना, कभी वो बन के आना, उसको साथ लेकर आना, उसको साथ लेकर आना, कितना झंझट, बाप रे बाप। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि तू ता लख लख सूरता पका छड़िया, कि तू ता लख लख सूरता पका छड़िया, मुल्ला एक सूरत साथों पकदी नहीं। हमें तो ये एक भी अधिक मालूम पड़ता है, इस एक से भी प्रेम नहीं हो पाया, और तू तो जाने कितनों से प्रेम करना सिखा देता है, सोमवार को यहां पर, मंगलवार को यहां पर, और जाने क्या क्या, बाप रे बाप। कभी कभी किसी के घर जाऊं, वैसे तो मैं जाता नहीं, कभी जाना पड़ जाए और किसी के मंदिर में देखूं
तो अरे बाप रे बाप, कौन कौन रहता है वहां पर, कौन कौन, मुझे तो घबराहट और हो जाती है। प्रेम का उत्सव कुछ और है, उसका उल्लास कुछ और है, उसका रंग ढंग कुछ और है। वहां तो पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। तो जब गुरु कृपा करता है, एक एक उत्सव का सृजन करता है, प्रेम के देश में प्रतिक्षण उत्सव। और जब उत्सव होता है, जब उत्सव होता है ना, तो कभी कभी न नाचने गाने वाले लोग भी नाचने गाने लगते हैं उत्सव के प्रभाव से। उत्सव का प्रभाव होता है, जिसने कभी नृत्य ना किया वो भी नाचने लगेगा, वो भी गाने लगेगा, क्योंकि उत्सव है, क्योंकि आज घर में उत्सव है। इसलिए इसलिए ध्यान रखना। एक और बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले चलूं, ध्यान रखना कि वो मार्ग जो आपसे आपकी सहजता छीन रहा हो, वो कम से कम आपको प्रभु के निकट तो नहीं ले जा सकता। भजन हो, वजन ना हो सिर पर, आपके बोझ ना हो, आपके जीवन में अनुशासन हो लेकिन आपके जीवन में बंधन ना हो। अनुशासन में और बंधन में भेद है। गुरु अनुशासन देता है, बंधन नहीं, बंधन नहीं। जहां पर पाप का भय ना हो, कम से कम मेरे प्रभु के प्रेम के मार्ग पर पाप का भय नहीं है। आप कुछ और झंझट करते हो तो खूब डर होता है, पंडित गलत मंत्र पढ़ दे तो तुम्हारा अब चलो छोड़ो, क्योंकि आपसे संकल्प कराया पंडित ने। एक बार क्या हुआ, मैं कहीं पर पूजा हो रही थी, अब मैं चुप करके देख रहा था, अब पंडित जी क्या बोल रहे हैं, वस्त्रम शरम प्यामी, शरम प्यामी, नैवेद्यम शरम प्यामी। अब बेचारा यजमान दिए चले जा रहा है, अब क्या करोगे। इसी एक कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कलियुग केवल नाम आधारा। तुलसी ने देखभाल कर कहा होगा, एही कली करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, एक। और प्रेम का पथ है, ध्यान रखना आपके जीवन की सहजता ना जाए कहीं, सहजता ना जाए। हमारे गिरिराज जी में पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, बोले भूख लगे तो खाए ले और नींद आए तो सोए ले। प्रत्येक शरीर की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है, अपनी प्रकृति होती है। और जहां तक मैं जानता हूं, थोड़ा सा मुझे जहां तक मुझे बोध है कि अब एक पित्त प्रकृति का व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति रात को अधिक एकाग्र हो सकता है सुबह की बजाय। मतलब एकाग्रता से है, मतलब भगवान में लगने से है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना अच्छा है, पर मुहूर्त प्रेम का हो तो फिर कोई भी समय अच्छा है। कब कोई भी समय अच्छा है, भगवान को जपने का कौन सा मुहूर्त होगा, प्रेम करने का कौन सा मुहूर्त होगा। कम से कम मैंने, आप गीता पढ़ लीजिए, आप भगवान ने एक बात कही है, युक्ताहार विहारस्य, संतुलित जीवन हो, बहुत अधिक खाइए मत और भूखे भी मत रहिए, अब सोते भी मत रहिए, जागते भी मत रहिए। भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य, व्यास जी ने कहा अरे भूख लगे जब मांग खाई हो, गनो न सांझ सवेरो। अपनी अपनी जीवन की शक्ति आप कहां कहां लगाते रहते हैं, कहां कहां लगाते रहते हैं। धीरे धीरे साधिए स्वयं को, सहज रहिए। सबसे पहली बात है कि प्रसन्न रहिए, सहज रहिए। अब ऐसे गुरु जी आए तुम्हारे जीवन में कि तुम हंसना ही भूल गए, चेहरे पर बारह ही बजी रहती है, क्या करोगे, कहां जाओगे। जीवन में प्रसन्नता नहीं रही आपके, आपके जीवन में सहजता नहीं रही, आपके जीवन में आनंद नहीं रहा। आप दिन रात डरते घबराते रहते हैं, आज ये चालीसा नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, ऐसा कौन सा भगवान आ गया तुमको बेचारे को और डरा धमका कर रखा है, किसी काम के नहीं है। ऐसे गुरु जी एक तरफ रखना, मैं आपको सच कह रहा हूं, अच्छी लगे तो भी मानना और ये बात बुरी लगे तो भी मानना, क्योंकि अच्छी है। सबसे पहले उपासना का परिणाम जीवन में आए आपके, आप प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें। हमको मिला जियान हारा, अरे डरे तो आप पहले थे भी थे, भयभीत तो आप पहले से भी थे। प्रेम तो निर्भय करता है, निर्भय कर देता है, बड़ी ऊंची अवस्था है निर्भयता। अरे संसार का प्रेम आवे तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निडर।
संसार का प्रेम भी आवे जीवन में तो व्यक्ति निडर हो जाता है। मैंने पहले भी आपको शायद जिक्र किया होगा कि कभी कभी मुझे मुगले आजम बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत बार देखता हूं। और क्यों अच्छी लगती है? इसलिए अच्छी लगती है कि बड़ी कुछ कुछ प्रेम के भाव बड़े सुंदर हैं उसमें, कि वो बेचारी बिना मोल की एक दासी है और किसके सामने नाच रही है? बादशाह के सामने। और बादशाह भी कौन, जिसके सामने बड़े बड़े शूरवीर सिर उठाने में डरते हैं कि बादशाह सजाए मौत न दे दे। और वो एक बिना मोल की दासी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो कहती है बादशाह की आंख में आंख डालकर, पर्दा नहीं जो कोई खुदा बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना। और यहां शनिदेव ने तुम्हारे प्राण लिए हुए, तुमको वहीं से ही सांस नहीं है, भजन क्या करोगे? कैसे भगवान के निकट जाओगे? कैसे भगवान को निकट बुलाओगे? इसीलिए झंझट में मत पड़ना। और कहते कहते आज अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊं, और ऐसे नहीं कह रहा, माइक में बोल रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं और उसके बाद टीवी पर जाने कौन कौन सुनेगा। और ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरी है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला, अपना हरी है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, क्या कहना समरथ साई का, क्या कहना समरथ साई का, क्या से क्या कर डाला, अपना हरी है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला, अपना हरी है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला। मान मिटाए उसे जिसको राखे पिया, मान मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ वृक्ष के नंदलाला, तेरा राज सांवरिया, वृक्ष के नंदलाला, राज सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए।